को परफॉर्म करेंगी। तो इस वीडियो के अंदर डिजाइन का तो बेसिकली मैंने कोड ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और आज इस वीडियो में डिजाइनिंग नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने क्लाइंट के व्यू पे जब काम किया था मैंने डिटेल आप लोगों को जो है ना डिजाइनिंग का जो कोड था व्यू का वो समझाया था। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इसके अलावा ये जो मैं कोड यूज करने जा रहा हूँ इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लिहाजा आपको इसकी डिजाइनिंग पे कोई ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेसिकली इसके अंदर तीन मॉडल मैंने यूज किए हैं, तीन बटन यूज किए हैं, एक टेबल यूज किया, एक मॉडल के अंदर टेबल का और दो मॉडल्स के अंदर मैंने फॉर्म्स रख दिए। एक ये मॉडल है, फिर बेसिक व्यू मैं दे देता हूँ बेसिकली, और ये तीन मॉडल्स हैं और तीन बटन्स हैं, ये ऊपर आप देखेंगे। चलो एक कवर व्यू देता चलूँ, ये तीन बटन्स मैंने सेट किए हैं, ऐड का, व्यू का और एडिट का, और इसी को तीन मॉडल सेट किए हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये जिसका जिस मॉडल का बटन क्लिक करेंगे तो उसका वो जो मॉडल है वो फॉर्म को लेके ऊपर पॉपअप हो जाएगा। ठीक हो गया। एक और ये कोलॉग की क्लास के गेट की जिसके अंदर इमेज का यूज़ किया था। तो बेसिकली हमने डिपार्टमेंट के जो क्राउड ऑपरेशन बेस इंसर्ट डिलीट का हो गया, लोड का हो गया, ये इस वगैरह वगैरह परेशान परफॉर्म करेंगे। दैट ल्यूप के अंदर आए तो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, अगर हम अपने टेबल को देखें जो कि SQL सर्वर 2014 की मदद से मैंने क्रिएट किया था, उसके अंदर डिपार्टमेंट के लिए जस्ट डिपार्टमेंट ऐड करवाना है, जस्ट डिपार्टमेंट ऐड करवाना है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा आप हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए हम इस पर, तो एक और इशू ये है कि मैं ये जो हेडर यूज़ किया है ना हेडिंग टू के नाम से, और इसके अंदर मैंने कुछ टैग इमेज यूज़ करवाई थी, मैं चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट फॉर्म के लिए थी, मैं ये रिमूव कर दूँ, मैंने इसको रिमूव कर दिया। इसके बाद डिपार्टमेंट आईडी होगी और डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे डी नेम बेसिकली हमने यहाँ से वैल्यू इस नाम से ही गेट करवाएंगे, इस नाम के जरिए गेट करवाएंगे, और ठीक हो गया। और ये आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, इस आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक ही हमें चाहिए इनपुट टेक्स्ट बॉक्स जो कि डिपार्टमेंट नेम के लिए, अगर आप प्लेस होल्डर इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। इसके अलावा यहाँ पे आप कंट्रोलर का नाम देंगे, कंट्रोलर का नाम हमारे देखते हैं तो क्या है डिपार्टमेंट के लिए, इधर अगर मैं हूँ तो ये कंट्रोलर, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का कंट्रोलर का नाम, तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट। मैं जल्दी जल्दी ये काम करूँगा क्योंकि मैंने ये सारा कुछ डिटेल पिछले वीडियो के अंदर करवा दिया है। इंसर्ट डीपी, इंसर्ट डिपार्टमेंट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम डिपार्टमेंट कंट्रोलर के अंदर ले जाते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है इसको सेव करके दिखाऊँ तो किस तरह दिखता है इधर, क्योंकि ये ब्लैक में हमने रन किया था, देखा है फुटर ऊपर आया हुआ था क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं था, और हम इस वीडियो में ये फुटर भी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक एडिंग के तौर पे कुछ और एड्रेस या कंटेक्ट वगैरह दिखा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे लगता है, तो हम इसे भी रिमूव कर देते हैं फुटर को। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जो हमने डिपार्टमेंट के व्यू के लिए देखें कोड यहाँ पे पेस्ट किया वो शो हो रहा है। बेसिकली अभी बैक डेट इंसर्ट विदाउट एट द रेट यूज़ किया है, जब हम इसको वहाँ से वैल्यू एक्सेस करवाएंगे, जब हम इस पर भी एक्शन सेट करेंगे तो फिर इसको भी करेक्ट कर देंगे, पहले यहाँ पर इस शो नहीं करेगा जब तक हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। देखिए ये इमेज वाला कोल था साइड पे, और दूसरे में ये एड डिपार्टमेंट पे अगर हम आए तो देखें डिपार्टमेंट लोड हो रहा है, और ये भी डिपार्टमेंट के अंदर है, तो यहाँ पे ये से चेंजिंग वाला हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसके जस्ट हमें दो कॉलम चाहिए होंगे, एक आईडी के लिए डिपार्टमेंट नेम के लिए, और ये बाकी वाले बल्कि तीन चाहिए होंगे, एक एक्शंस के लिए भी चाहिए, और ये बेसिकली एक्शंस का मैंने विदाउट एट द रेट वो भी मैंने सेट कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए, समझा भी देता हूँ मजीद जैसे हम इस पर काम करेंगे, टेंशन नहीं करना। तो इस पर भी हम सेटिंग कर लेते हैं, ये डिपार्टमेंट पे हैं तो ये डिपार्टमेंट दो है, क्योंकि यहाँ पे हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, हम देखेंगे आईडी और फिर उस आईडी की मदद से हम जो है ना एडिट करवाएंगे आगे आके,
अगली, और इस ईडियट के लिए हम लास्ट में एक सारे सेक्शंस के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटल जो हमारे व्यूज है ना उनके कंट्रोलर के अंदर इस ईडियट पे हम काम करेंगे। सेव चेंजिंग का बटन, इसके अलावा कार्ड के अंदर आए, फिर कार्ड के हमें क्या चीजें चाहिए, तीन चाहिए, ये हेडिंग टेक्स्ट है हेड के लिए, यहाँ पर क्या चाहिए आईडी चाहिए ये डिपार्टमेंट की, और डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, ठीक हो गया। और एक्शंस के अंदर ये हम इंटेंट कॉन्टैक्ट वाला रिमूव कर देते हैं, पासवर्ड ये तीन नंबर ही चाहिए, और ये चीजें रिमूव कर देते हैं। और हम यहाँ पे एक व्यू बैक यूज करते हैं एट फॉर ईच को यूज करते हुए, इसको एक मिनट बाद में हम देखते हैं, पहले इसको सेट तो कर लें। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके अंदर हम जब व्यू बैक यूज करेंगे यहाँ पे फिर सेट कर देंगे इसको। सेव चेंजिंग वाला ओके, एडिट, और ये हेडिंग जो ठीक हो गया रिमूव कर दिया। इसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट यूज नहीं करना चाहिए, हमें सेलेक्ट यूज करना चाहिए, सेलेक्ट इसे कर देते हैं और यहाँ पे स्लैश सेलेक्ट कर देते हैं, और इसके अंदर ऑप्शन यूज करेंगे आरडी वाला, ठीक हो गया। चल फिलहाल कोई टैक्स दे देते हैं आरडी, फॉर एग्जांपल आरडी इज वन ओके। डिपार्टमेंट नेम, ये भी डिपार्टमेंट नेम हो गया। चेंजिंग ओके, अब हम आते हैं डिपार्टमेंट इंसर्ट डीपी के लिए काम करते हैं। सेव करके देख भी लें इसे, एड डिपार्टमेंट जी बिल्कुल ये रिमूव हो चुका है, और सॉरी लेकिन इसको नहीं रिमूव, चल इसको बाद में कर लेते हैं जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेंगे, ठीक हो गया। चल इसे रिमूव कर ही छोड़ते हैं, यहाँ पे देखें इस पे हम क्यों ना हम बैक का यूज कर लें, बैक बैक बटन यूज कर लें इसके अंदर तो ये बेस्ट रहेगा। बैक यूज कर डिपार्टमेंट हो गया, तो ये डिपार्ट हो गया, ओके हो गया। तो ये पैक का भी काम हो चुका है। अब हम डिपार्टमेंट के कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, डिपार्टमेंट गो रिकॉर्ड पेज,
रहा हूँ स्टार कंट्रोल है, अभी तक इसने सेव नहीं किया, दोबारा से सेव करते हैं। डिपार्टमेंट पेज, एड डिपार्टमेंट, बैक, यस इंटर डिपार्टमेंट, बैक, ओके ओके। अब इस डिबगिंग स्टॉप कर देते हैं। डिबगिंग स्टॉप करने के बाद हम इसके डिपार्टमेंट का जो व्यू है, इसको जो कंट्रोल कर रहा है कंट्रोलर, हम उस कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, इसका नाम है डिपार्टमेंट। ये कंट्रोलर फोल्डर देखें, इसके अंदर ये पड़ा है जो हमने इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में क्रिएट किया था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप हमारे इस क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम की जो कोर्स वीडियो है इनको पीछे अगर जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये डिपार्ट का कंट्रोलर, यहाँ पे हम विदाउट वेस्टिंग टाइम यूज करेंगे। ओके यूजिंग प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ओके डॉट मॉडल्स का फोल्डर फॉर क्लास एक्सेस, ये मॉडल्स का फोल्डर, इसके अंदर हमने ये डाटा क्लास को गेट करवाना है। इधर आके डाटा क्लासेस डीबी इस सब्जेक्ट के जरिए हमें रसाई हासिल हो जाए डाटा क्लासेस के अंदर जो डाटा टेबल्स पड़े। ओके डिपार्टमेंट कंट्रोलर, यहाँ पे हम एक मेथड यूज करते हैं बैकर के नाम से और इसको करवा क्रिएट कर देते हैं। मेथड जी बिल्कुल ये क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हमने व्यू बैक दो असाइन करवाने हैं, एक व्यू बैक डिस्प्ले के नाम से डिस्प्ले पार्ट जस्ट उतना ही रहने देते हैं। डाटा क्लासेस ऑब्जेक्ट डेटाबेस नेम, लेकिन ये डिपार्टमेंट का डाटा क्लासेस के अंदर अभी तक हमने ड्रॉप नहीं कराया था ये टेबल। यहाँ से आके डिपार्टमेंट पे आते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। ओके डिपार्टमेंट कंट्रोलर, यस स्टार्ट क्या करवा दे, टू लिस्ट इसकी दिखा दें, टू लिस्ट दिखा दें। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक और व्यू बैक यूज करते हैं, व्यू बैक डॉट काउंट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डी बी डॉट डिपार्टमेंट टेबल नेम डॉट काउंट, और ये काउंट करेगा पहले बेसिकली डिस्प्ले डिपार्टमेंट। अब हम इसको यहाँ से गेट करवा जाते हैं, यूज करते हैं अपने डिपार्टमेंट के व्यू के अंदर। इस पर थोड़ा बाद निकाल लें तो बेहतर होगा। अब हम इंसर्ट पे काम कर लेते हैं, इंसर्ट पे HTTP पोस्ट, ओके और ये डिपार्टमेंट वाले को करें कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दें, गुड हो गया। अब क्लाइंट डिपार्टमेंट पे अगर जाएं और ये देखें डिपार्टमेंट कंट्रोलर का नाम दिया और उसके बाद एक मेथड सेट किया था इंसर्ट डीपी के नाम से, और यहाँ पे मेथड जो है ये पोस्ट, ये पोस्ट, और यहाँ पे हमने ये यूज किया है HTTP पोस्ट डिपार्टमेंट हो गया। ओके बहुत अच्छे,
हम स्ट्रिंग पास करते हैं, जस्ट एक स्ट्रिंग की हमें जरूरत होगी डी नेम, और इसको रिक्वेस्ट करवाएंगे फॉर में से, वहां से क्या उठाएगा डी नेम। ये अगर देखें आप नाम इसका जो एक इनपुट टेक्स्ट बुक यूज हुआ है डिपार्टमेंट नेम के लिए, ये डी नेम ये वाला यहाँ पे हमने यूज किया डॉट टू स्ट्रिंग। और अब हम टेबल हमारा कौन सा है डिपार्टमेंट का है, डीपी इज इक्वल टू डी डबल पी इज इक्वल टू न्यू ओके। अब डीपीपी डॉट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वन शो कर रहा है इज इक्वल टू ये वाला डी नेम। ओके डाटा क्लासेस ऑब्जेक्ट डाटा टेबल नेम डॉट इंसर्ट कर दे डी डी पी के जरिए वैल्यूज इस टेबल के अंदर, और फिर इस टेबल में चेंजेस कर दें। और एक यहाँ पे अब हम एक व्यू बैग यूज करेंगे, व्यू बैग डॉट इंसर्ट इज इक्वल टू डबल क्रिएशन डिपार्टमेंट एडिट ओके हो गया। अभी व्यू बैक इंसर्ट पे भी हम काम करें, तो बेसिकली हमारा ये डिपार्टमेंट के इंसर्ट का काम हो चुका है। अब हम डिपार्टमेंट पे जाएं, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट जैसे ही हम इस पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ऐड डिपार्टमेंट वाले में, जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने नाम दिया होगा वो वहाँ पे ऐड कर देंगे। जब ऐड कर दे तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद रिटर्न करवाएं इसके अंदर डिपार्टमेंट कंट्रोलर के डिपार्ट व्यू पे ओके हो गया। और ये व्यू बैक इंसर्ट भी शो करवाए हमारे इस डिपार्टमेंट के व्यू पे, ये देखें जस्ट सेम है। इसे एट लगाऊंगा तो ये आप सेट हो गया, आप वहां से ये वैल्यू लोड करके इधर दिखाएगा, इस जगह पर स्टार्ट में ये दिखाएगा जो बटन इसके सामने ओके। अब हम इसको चलाते हैं, तो अब ऐड करते हैं हम डिपार्टमेंट होम्योपैथी एट डिपार्टमेंट एडेड। अब यू पे जाए तो हमें डिस्प्ले नहीं करवाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग नहीं की, तो अब डिस्प्ले वाले को यहाँ पे गेट करवा लेते हैं, लोड भी करवा दे। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे व्यू बैक डॉट डिस्प्ले डिपार्टमेंट ओके हो गया डिपार्टमेंट के। अब हम इस टेबल्स वाले पे आ जाते हैं, कार्ड के अंदर जाके यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर ईच लगाते हुए ओके। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आई के नाम से, किसके अंदर ये जो हमने व्यू बैग लिया है इसके अंदर, ओके
यहाँ पे एट दी रेट यूज करते हैं, यहाँ पे भी एट दी रेट यूज करते हैं, एट दी रेट ऑफ आई डॉट आई डी, एट दी रेट ऑफ आई डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट कॉलम में ये दिस ये वाला। इसके अलावा यहाँ पर भी हम वही वाली एड डिपार्टमेंट के जो टेबल के अंदर वाली एड ये सेट करेंगे। इसके अलावा हमें एक और चीज़ की जरूरत होगी, एट दी रेट ऑफ आई डॉट, अब ठीक हो गया, आई डॉट एट द रेट ऑफ ओके। और इस एट द रेट आई डी के थ्रू जो है ना इडेंट और क्या करवाएंगे, डिलीट, डिलीट पे तो हम काम कर लेते हैं लेकिन इडेंट पे नहीं कर सकेंगे सर। सेव करते हैं, रिफ्रेश करें, इसके लिए डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वन वन यूज करेंगे। अगर डेटा क्लासेस के अंदर जाएं, तो ये देखें डिपार्टमेंट वन सेट कर रहा है। तो आप ठीक होगा, दोबारा हम इसको रन करते हैं डिपार्टमेंट को। जब तक ये रन हो जाए हम डिपार्ट बट आप नहीं कर सकेंगे हम वहां पे काम। आप देखते हैं डिपार्टमेंट के टेबल के रिकॉर्ड के अंदर तो जी पेपल ये हम पैथी के लोड हो चुके हैं, दो बार ऐड हो गए थे। तो अब हम जब जैसे डिलीट पे क्लिक करें तो यहाँ से ये रिकॉर्ड क्लिक करते हैं। अब इस पर हम काम करते हैं, ऐड पे हो गया काम, इस पर डिलीट पे काम करते हैं। इसके अलावा छोटा सा काम हम यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा देते हैं कि कितने डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करें। जस्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पहले वाले डिपार्टमेंट्स की है, इस बटन के नीचे और यहाँ पे लेबल लगा देते हैं। बल्कि लेबल हम इस क्लाइंट वाले से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम यहाँ पे फिर ना देना पड़े। पेस्टेड और इसको यहाँ से यहाँ तक वहाँ से यहाँ तक कॉपी करें, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ओके डिपार्टमेंट कंट्रोलर। यहाँ पे देखें व्यू बैक डॉट ये रिप्लेस कर दिया, तो अभी काउंट का इश्यू भी हमारा सॉल्व हो गया है। डिपार्टमेंट डॉट काउंट, अब हम क्या काम करते हैं डिलीट का ऑपरेशन पे काम करते हैं। तो जस्ट इस डिपार्टमेंट वाले को हम यहाँ से कॉपी करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे एच मेथड जो है वो एच टी टी पी गेट कॉल करेंगे। ओके हो गया, इसको डिबग स्टॉप करें और यहाँ पे डिलीट डी पी यूज करते हैं। और आप क्या यूज करें इंट टी आई डी इज इक्वल टू कन्वर्ट बिकॉज आर टी जो है वो इंटीजर वैल्यू होते हैं, उसके लिए ये यूज करेंगे हम
Lumada 2N32 उसको रिक्वेस्ट करवाएंगे कहाँ कौन से जहाँ पे पूरी स्ट्रिंग है TID, और ये TID कौन सा है। अगर हम यहाँ पे वापस जाएं डिपार्टमेंट पे और डिलीट वाले एक्शंस पे जाएं, यहाँ पे आप देखें ये TID, ये वाले TID ये वाली है जो वहाँ पे हमने सेट की हुए, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं डिलीट DP। ये कौन सा DP है, ये जो हमने मेथड यूज किया डिलीट के लिए। ओके और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट का कंट्रोलर यूज करेंगे डिपार्टमेंट। ओके हो गया। इसके अलावा हम क्या कर लेते हैं, ये वाला स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं, बल्कि ये तीन हुई, ये हो गया, यहाँ पे पेस्ट किया। इसके अलावा हम करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर डेल के नाम से, किस डेटा क्लासेस को एक्सेस किया और उसके अंदर क्या है डिपार्टमेंट का बड़ा है, जहाँ पर क्या है इसकी ये आईडी टीआईडी वाली ये वाली वहाँ पे ये डिलीट कर दें। इसके लिए हम एक और वेरिएबल यूज करेंगे। ओके हो गया, आईडी को इक्वल कराते हैं इज इक्वल टू TID ये वाला। ओके हो गया। इसके बाद करते हैं डॉट फर्स्ट, पहले है या बाद में कहीं पे भी है ये वाली आईडी, तो उसको क्या कर दो db.departments.deleteOnSubmitDel। ओके हो गया। डिलीट कर दो। उसके बाद डाटा क्लास बैक डॉट सबमिट चेंजिंग, मतलब स्टेबल के अंदर चेंजिंग कर दें। ओके और डिपार्टमेंट टेक्स्ट को कर देते हैं डिलीटेड, इस व्यू के लिए इंसर्ट वाले व्यू के लिए एक ही व्यू यहाँ पे डिस्प्ले। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट हमारे पास दो हैं। अब हम ये रिकॉर्ड्स पे जाते हैं, तो डिलीट पे आप क्लिक करके हम एक डिलीट करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट डिलीटेड भाई। अब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट एक बचा है। ओके हो गया। और इन और प्रोजेक्ट के लास्ट में एक वीडियो हम बनाएंगे, इसमें ये तमाम जो हमारे व्यूज हैं उसके लिए हम एडिट का काम करेंगे। और आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लाइक किया है करना है तो कर दीजिए, लेकिन एक काम है आपसे बहुत शिकायत रहा है बहुत ज़्यादा, वो ये कि आप लोग देखते भी हैं बहुत कुछ इस्तेफादा भी हासिल करते हैं, लेकिन लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे गुजर जाते हैं, मतलब कि छोटी सी हद तक कंजूसी का मुजाहरा करते हो, वैसा ना क्या करो यार। अब मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब